अनोर्मा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। हर 5 साल के बाद जब बिहार में विधानसभा के चुनाव होते हैं तो नीतीश कुमार फ्रेम में आ जाते हैं और नीतीश कुमार को सपोर्ट करने के लिए कोई ना कोई मजबूती से खड़ा हो जाता है। एक बार फिर से नीतीश कुमार 2025 की तैयारी शुरू कर चुके हैं और 2025 की तैयारी के लिए उन्होंने अपना लक्ष्य भी निर्धारित कर दिया है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमने खबरों में आपको बताया था कि नीतीश कुमार ने अपना लक्ष्य 220 से लेकर के 225 तय किया है और इसमें 243 सीटों वाले विधानसभा में अब तक नीतीश कुमार की सबसे बड़ी अगर भूमिका कहीं रही है तो वो 200 सीटों की रही है। 200 सीट से कुछ ज़्यादा, 205 सीटें जीत करके नीतीश कुमार 206 सीटें जीत करके आए थे और नीतीश कुमार ने ये सबसे बड़ी जीत हासिल की थी 2010 में। लेकिन इस बार लक्ष्य को और बड़ा करते हुए नीतीश कुमार ने 220 से 225 का लक्ष्य निर्धारित किया है और इस बार 5 लोगों की टीम है जिसमें से नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी के अलावे 3 और घटक दल उनके साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन हर 5 साल के बाद परिस्थितियां और मुद्दे दोनों बदल जाते हैं। जांच पड़ताल में हम आपके सामने वो खबर लेकर के आए हैं जिसके आधार पर आने वाले समय में नीतीश कुमार की स्थिति क्या होगी, ये देखना दिलचस्प होगा। जनता दल यूनाइटेड के खाते में 2010 में सबसे अधिक अब तक के चुनाव में 115 सीटें आई थी तो भारतीय जनता पार्टी ने 91 सीटें जीती थी। तब बिहार में नीतीश कुमार का 5 साल का शासन चल रहा था और नीतीश कुमार के काम से बिहार की जनता काफ़ी प्रभावित थी। 2005 को लेकर के और 2005 से पहले की सरकार को लेकर के नीतीश कुमार जिस तरह से हमला किया करते थे और लालू प्रसाद राबड़ी देवी के सरकार को जंगल राज बताया करते थे, उससे जनता निजात पाने के लिए नीतीश कुमार को एक बार फिर से महत्वपूर्ण भूमिका के साथ उन पर भरोसा किया। और जो वर्तमान स्थिति बनी है उसमें जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा और चिराग पासवान, ये 3 घटक दल हैं जो उनके साथ खड़े हैं और अब तक इन तीनों का साथ एक साथ कभी भी नीतीश कुमार को और भारतीय जनता पार्टी को नहीं मिला है। लक्ष्य भले ही हाइपोथेटिकल हो लेकिन कहीं ना कहीं इस लक्ष्य को लेकर के नीतीश कुमार पूरी तरह से आशान्वित हैं। लेकिन इसके पीछे हम आपको लगातार बताते आ रहे हैं कि कई हर्डल भी आ गए हैं। बिहार की राजनीति में अभी 3 धुरियाँ बड़ी तेज़ी से चल रही हैं जिसमें से नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली NDA है, तेजस्वी के नेतृत्व वाली इंडिया गठबंधन है और तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण फ्रंट बन गया है वो है प्रशांत किशोर का जनसुराज। प्रशांत किशोर जनसुराज में अभी तक किसी के साथ चलने की बात और गठबंधन की बात नहीं करते हैं, वो अकेले दम पर 243 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं। तो वहीं नीतीश कुमार ने भी 220 सीटें जीतने का लक्ष्य निर्धारित कर दिया है और पिछले चुनाव में अगर देखा जाए तो 2020 के चुनाव में नीतीश कुमार मात्र 43 सीटें जीत करके आए थे। हालांकि 2015 में भी वो अपोजिट गठबंधन में रह करके भी, महागठबंधन में लालू प्रसाद और कांग्रेस के साथ रह करके भी 71 सीटें जीत करके आए थे। ऐसी स्थिति में इस बार कौन कैसे नीतीश कुमार के सामने नजर आएगा और नीतीश कुमार की भूमिका क्या होगी, इस बात को लेकर के अब नई नई कहानियां गढ़ी जाने लगी है। कौन नीतीश कुमार को चक्रव्यूह में फंसाना चाहता है और किस तरह की फील्डिंग टाइट की गई है, ये सब सारी बातें कहीं ना कहीं चर्चा में बनी हुई है। नीतीश कुमार ने लक्ष्य तो निर्धारित कर दिया है लेकिन इस लक्ष्य को हासिल कैसे करेंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। प्रशांत किशोर जिनके बारे में कहा जाता है, हम उसकी बात तो बताएंगे ही, लेकिन उससे पहले हम आपको ये भी बता देते हैं कि सबसे पहले NDA के घटक दलों के बीच में क्या होने वाला है, सीट शेयरिंग को लेकर के और अन्य बातों को लेकर के जो एक हर्डल सामने नजर आ रहा है उसको कौन कैसे पार करेगा। लेकिन इसके साथ साथ तेजस्वी यादव की भूमिका भी इस बार के चुनाव में कुछ बड़ी हो जाए तो कोई आश्चर्य नहीं करना होगा, क्योंकि तेजस्वी यादव ने अपने 17 साल के शासन को लेकर के जिस तरह से लोकसभा का चुनाव लड़ा और मुकेश सहनी ने मजबूती से उनका साथ दिया, ये भी एक बड़ा फैक्टर है। तो दूसरी तरफ प्रशांत किशोर जो PK के नाम से मशहूर हैं और जनसुराज के नेता कहे जा रहे हैं, हालांकि उन्होंने पार्टी पहले बना ली और उनको लेकर के भी अब कई तरह के सवाल खड़े किए जा रहे हैं। आप देखिएगा तो कई उनके पुराने साथी हैं जो उनके विरोध में भी अब बोलना शुरू कर चुके हैं। चुनावी रणनीतिकार के रूप में उनके प्रदर्शन को लेकर के भी अब आकलन शुरू हो गए हैं। हाल फिलहाल में पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में उनके आकलन बहुत सटीक हुए थे और उसके बाद से उन्होंने खुद को इस चुनावी रणनीतिकार की भूमिका से अलग करते हुए अब बिहार में अपने आप को फोकस कर लिया। पिछले 2 साल से लगातार वो बिहार में भ्रमण कर रहे हैं, पैदल यात्रा कर रहे हैं और उन्होंने ये दावा किया है कि अगली सरकार प्रशांत किशोर की होगी। प्रशांत किशोर का अनुमान
कहीं कभी फेल भी हुआ है। आपने देखा होगा कि किस तरह से उनका अनुमान उत्तर प्रदेश में फेल हुआ था, उनकी भविष्यवाणी पूरी तरह से कहा जाए तो धत्ता हो गई थी। आपको बता दें कि जो वर्तमान परिस्थिति है उसमें उनका मानना यह है कि नीतीश कुमार को इस बार 20 सीटें भी नहीं आएंगी। वहीं आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव में जो भविष्यवाणी उन्होंने की थी वो भविष्यवाणी भी फेल हो गई और नीतीश कुमार को उन्होंने कहा था कि 5 सीटें आएंगी, जबकि जनता दल यूनाइटेड 16 सीटों पर चुनाव लड़के 12 सीटें जीत करके आई है। उनका अनुमान बिल्कुल था कि 20 सीटों पर आकर के एनडीए गठबंधन टिक जाएगी और नीतीश तेजस्वी के निशाने पर वो हमेशा जनसुराज को रखते हैं। इसी तरह से आपको बता दें कि तेजस्वी यादव का भी जो वर्तमान स्थिति है उसमें तेजस्वी यादव की इस बार किस तरह से किला फतह करेंगे ये देखना दिलचस्प होगा। पिछली बार महागठबंधन को 2020 में 110 सीटें मिली थी और विरोधियों को मिला करके कुल 115 सीटों के आसपास थी। वोट शेयर के मामले में महागठबंधन और एनडीए में कोई बड़ा फर्क नहीं था, बहुत नॉमिनल वोट, लगभग 10,000 के आसपास वोटों से सरकार बनने और बिगड़ने की बात सामने आई थी। महागठबंधन को जो सीटें मिली थी उसको लेकर के भी कई तरह की बातें कही जा रही थी और जिस तरह से नीतीश कुमार ने मजबूत लड़ाई लड़ी और तेजस्वी यादव को सत्ता पर जाने से रोका था वो देखने वाला था, क्योंकि नीतीश कुमार का विरोध तब उन्हीं के गठबंधन के साथी बाहर होकर के कर रहे थे और भारतीय जनता पार्टी के कई दिग्गज नेता उनके साथ लड़ रहे थे। चिराग पासवान एनडीए से अलग हो गए थे और नीतीश कुमार के विरुद्ध उन्होंने 137 उम्मीदवारों को खड़ा किया था, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के कई दिग्गज नेता भी उनके तरफ से चुनाव लड़े थे। तेजस्वी के पास 17 महीने की सरकार की उपलब्धियां गिनाने के लिए बहुत कुछ है। तो वहीं आपको बता दें कि नीतीश कुमार के पीछे एंटी इनकम्बेंसी बहुत ज़बरदस्त है। ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी भी लगातार अपनी चालें चल रही हैं। वहीं आपको बता दें कि इन दो धड़ों के बीच में जो प्रशांत किशोर और तेजस्वी यादव बना रहे हैं उसमें तीसरा धड़ा नीतीश के नेतृत्व में लड़ने की बात एनडीए के सभी घटक दल कर चुके हैं, लेकिन सीट शेयरिंग के समझौते को लेकर के अटकलें लगाई जा रही है। सवाल ये उठ रहा है कि विधानसभा चुनाव को लेकर के क्या किया जा सकता है, क्या विधानसभा का चुनाव वक्त से पहले कर लिया जाए। जो वर्तमान परिस्थिति बनी है और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा में बहुत बेहतर प्रदर्शन किया है, पिछले कई चुनावों से बेहतर प्रदर्शन किया है, तो वहीं आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में भी उसकी स्थिति खराब नहीं है। जम्मू कश्मीर में भी भारतीय जनता पार्टी ने पहली ही उड़ान में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। अब जो वर्तमान स्थिति बनी है उसमें इस मैदान में नीतीश कुमार अभी मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ने के मूड में नहीं है। ऐसी स्थिति में तेजस्वी यादव के लिए और जो जो लोग उस लाइन में खड़े हैं नीतीश कुमार के उत्तराधिकारी बनने के, उसकी भी एक बड़ी दौड़ लगी हुई है। इसी बीच में हरियाणा और जम्मू कश्मीर के चुनाव के नतीजे को लेकर के कई तरह की अटकलें लगाई जा रही थी कि इसके बाद भारतीय जनता पार्टी का जो काउंटडाउन है वो शुरू हो जाएगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने बाउंस बैक किया है और दूसरी तरफ पूरी मजबूती के साथ वो चुनाव लड़ी भी है। ऐसी स्थिति में एक बात तो साफ साफ नजर आती है कि नीतीश को गेम से आउट करने का जो गोटी सेट किया गया है, चाहे वो प्रशांत किशोर की बात कर लें या फिर तेजस्वी यादव की बात कर लें, ये दोनों ही इस बार नीतीश कुमार को उनके कई ऐसे फैक्टर हैं जहां घेरने की कोशिश कर रहे हैं। उनकी पार्टी के भीतर भी जो घमासान मचा हुआ है और भारतीय जनता पार्टी की कई नीतियों के विरोध में पार्टी दो फाड़ नजर आ रही है, तो वहीं महागठबंधन यानी इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन के बीच में नीतीश कुमार झूल रहे हैं। कई लोगों का मानना यह है कि नीतीश कुमार को इस बार के विधानसभा चुनाव में लोकसभा से अलग फैसला लेना चाहिए और उन्हें अलग होकर के इंडिया गठबंधन के साथ चुनाव लड़ना चाहिए। तो वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उस परिस्थिति में नीतीश कुमार के लिए क्या बढ़िया होगा ये देखना दिलचस्प होगा। ये तीन जो उनके साथ हैं और तीन जो उनके विरुद्ध में खड़े हैं उनको लेकर के भी कई तरह की चर्चाएँ चल रही हैं। अब इन चर्चाओं में सबसे बड़ी बात यह है कि नीतीश कुमार को कैसे बचाया जाएगा, क्या जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उसमें नीतीश कुमार को अब मोदी भी नहीं बचा पाएंगे, क्योंकि जिस तरह के दावे दोनों ही कर रहे हैं, चाहे वो तेजस्वी यादव हों या प्रशांत किशोर हों, तो वही आपको बता दें कि सीट शेयरिंग को लेकर के भी हंगामा एनडीए के भीतर होना तय माना जा रहा है। पहले से ही चिराग पासवान ने अपने दावे ठोक दिए हैं, तो वहीं जीतन राम मांझी का भी दावा कमजोर नहीं है। अगर बात करें तो उपेंद्र कुशवाहा ने भी इशारों में 2024 के जो सीट शेयरिंग समझौते हैं उससे अलग समझौता करने की बात कही है और उन्होंने
नाकामी का और पिछड़ने का कई कारण भी बताया है। अब इस बदली हुई परिस्थिति में देखना दिलचस्प होगा कि क्या कुछ निकल के सामने आता है, क्या नीतीश कुमार इस जो सुनामी है उस सुनामी से बच पाते हैं, क्या नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा, और अगर नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा तो बाकी के उनके चार सदस्यों का भूमिका क्या होगा, क्या नीतीश कुमार को एनडीए गठबंधन से ज़्यादा इंडिया गठबंधन में फायदा मिलेगा। इन सभी सवालों के साथ हम आपको छोड़ के जा रहे हैं। अगर आपके पास इनके जवाब हैं या फिर आप कोई और सवाल है आपके मन में तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुवा मुफ्त में मिल जाए। अगर रुवा पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।